सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 से, इफिसियों अध्याय 4 वचन 22, आइए देखते हैं। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को, जो नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमें हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। और परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, यानी जो तुम्हारा पिछला चाल चलन था, पुराना मनुष्यत्व था, यानी यीशु के पास आने से पहले जो तुम्हारा जीवन था, जो तुम्हारा मनुष्यत्व था, वह भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट था। वह जीवन भरमाने वाली अभिलाषा से भरा हुआ था और भ्रष्ट था, इसलिए क्योंकि तमाम तरह के बुरे बुरे काम तुम्हारे द्वारा होते थे और तुम करते थे। तो वचन कहता है कि जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से, अर्थात जो भ्रष्ट जीवन है, उस जीवन को उतार डालो। कहता है मेरे प्यारे भाई, तुम अपने पुराने चाल चलन को छोड़ दो, पुराने मनुष्यत्व को, जो तुम काम करते थे पुराने जीवन में, वो सारे काम छोड़ दो। हर प्रकार के बुरे और गंदे काम जो तुम्हारे देह के द्वारा, तुम्हारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा होते थे, उन सारे कामों को उतार डालो। और कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जो तुम्हारा मन है उसकी आत्मिक स्वभाव, यानी आत्मा का जो स्वभाव, आत्मा के जो गुण है, उस स्वभाव में तुम नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिंचा गया। वह जीवन तुम स्वीकार कर लो, वह जीवन ग्रहण कर लो जो परमेश्वर के द्वारा, वह जीवन जो परमेश्वर के द्वारा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कहता है परमेश्वर के द्वारा जो जीवन उत्पन्न किया गया है, सृजा गया है, कहता उस जीवन को तुम पहन लो, उस जीवन को धारण करो, जिस जीवन को परमेश्वर ने अपनी सत्यता से, अपनी धार्मिकता से, अपनी पवित्रता से उत्पन्न किया है, जिस जीवन में धार्मिकता छुपी है, जिस जीवन में सत्यता छुपी है, जिस जीवन में पवित्रता छुपी है, और जो पवित्रता के द्वारा गढ़ा गया है, रचा गया है, कहता उस जीवन को धारण करो। और जो तुम्हारा भ्रष्ट जीवन है, पुराना जीवन है, भरमाने वाली अभिलाषाओं से भरा हुआ जीवन है, कहता उन जीवन को उतार डालो। इसलिए क्योंकि तुमने मसीह यीशु के द्वारा नया जीवन प्राप्त किया, इसलिए जब तुमने नए जीवन को धारण किया है, तो नए स्वभाव को धारण करो, ऐसा स्वभाव जो परमेश्वर ने अपनी सत्यता और अपनी धार्मिकता और अपनी पवित्रता से तैयार किया है। मेरे प्यारे बहन, उन्होंने जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के उस जीवन को धारण करता है, जिस जीवन को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, तब उस जीवन को,
जो कोई व्यक्ति धारण करता है उस व्यक्ति से परमेश्वर बहुत आनंदित होता है और उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए ये संदेश वह परमेश्वर का दाल दे रहा है कि तुम अपने पुराने जीवन को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से भरा था, जो भ्रष्ट था, उसे अपने अंदर से उतार दो। बुरे व्यवहार, बुरे स्वभाव को उतार डालो, नए को धारण करो, ताकि वह परमेश्वर के लायक तुम्हें बने और तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनने पाओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई, जरूर है कि परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता से भरा हुआ जीवन को धन्यवाद। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत की पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंता हाथों को बढ़ाकर जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप इनके जीवन में हो तो नष्ट होने पर, हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो नष्ट होने पर, तो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुआ है प्रभु, हर पाप और गुनाहों को क्षमा कर, इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को डाल, ताकि ये पवित्रता का जीवन जीना चालू करें। हे परमेश्वर, हर गंदी आत्माएं जो इनके जीवन में काम कर रही प्रभु यीशु के नाम से वह बाहर निकलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनका घरेलू कोई विवाद हो तो घर का विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाए, पड़ोसी से विवाद हो तो उसका विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी लड़ाई झगड़े हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों का प्रभाव उनके जीवन में तो मिटने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें से जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू सच्चा परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जन। महान पिता, प्रार्थना करते पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है, अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढांप ले, ताकि ये परमेश्वर जितने लोग नौकरी की तलाश में नौकरी दे, हे परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, छुप कर्ज में कर्ज से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से जितने बीमार व चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व छुटकारा पाए, हे प्रभु, जितने दर्द से पीड़ित व दर्द से जितने भी पीड़ित हो, सारी पीड़ाएं उनके दर्द की नष्ट होने पाए। लिबा रंद गिरिंदो सुखो रबा सखा लबा सिंदे ले रे अब्बा लबा सबा लबा सेखिरे वंदो सो सबा रबा दे ले वा सखाला। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज हर एक के जीवन में कुछ नया होने पाए। आज जितने लोगों के शरीर में गिल्टियां हैं, आज प्रभु उनके शरीर को छूने जा रहा है, उनके शरीर को स्पर्श कर रहा है, और उनके शरीर से गिल्टियां आज गायब हो रही है। इसलिए रिसीव करो इस आशीष को, क्योंकि प्रभु के अद्भुत आशीष आपके शरीर को उतरने जा रही है। अब भी इसके आपके शरीर से वो गिल्टियां गायब हो रही है। अमीन। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु राजा, तेरे नाम में आदेश करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से आदेश करते हैं, इनके शरीर से हर बीमारी निकले, जिनके शरीर में बुखार है, जुखाम है, खांसी है, अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श मिलने जा रहा है और उनके शरीर से बीमारियां जा रही है यीशु के नाम। हमें महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में सब कुछ नया होने दे। तेरी पवित्रता ही उनके भीतर समाये, तेरी आत्मा का अनुग्रह, जितने सेवा करने वाले लोग सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा में आगे बढ़े, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हमारे, हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे राजा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।